हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में यानी बैंकिंग सेक्टर में आप अपना फ्यूचर देखते हैं आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी ये, ये गुड न्यूज़ है खुशखबरी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस ने प्रोविजनरी ऑफिसर पी की रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी अनाउंस कर दी है और ये वैकेंसी आपकी वन मंथ के अंदर कंप्लीट हो जानी है यानी प्री एग्ज़ाम हो जाना है आपको मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूं। देखिए दोस्तों इसकी एग्ज़ाम फिल एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो चौदह ग्यारह है आप देख सकते हैं चौदह ग्यारह है देन इस फॉर्म को लास्ट डेट यानी कि लास्ट डेट किस डेट तक आप इसे किस डेट तक इसे आप भर सकते हैं उसकी चार बारह है आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका प्री एग्ज़ाम इकतीस बारह से लेके पाँच एक यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक ये चलेगा मतलब 31 दिसंबर से 5 जनवरी 6 दिन के लिए एग्ज़ाम होगी और अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग छात्रों की एग्ज़ाम होगी आप फॉर्म फिल करने के बाद अपना एडमिट कार्ड आफ्टर 10 डेज़ 15 डेज़ 20 डेज़ में डाउनलोड कर सकते हैं यानी 15 दिन का मौका मिला है आपको इन 15 दिनों में अब देखिए यही होता है बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सीरियस मूड से नहीं करते उन्हें ऐसा लगता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा जब पढ़ेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आजकल ऐसे आते हैं जिनमें ज़्यादा समय नहीं होता है ज़्यादा समय अंतराल नहीं होता है फॉर्म भरने के वन मंथ्स वन एंड हाफ़ मंथ्स में वो एग्ज़ाम करा देते हैं दोस्तों इसीलिए आप समझदार बनिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करने के लिए किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपको शुरुआती पाँच या छः महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए दोस्तों ये मेरा एक सजेशन था बाकी आपकी मर्जी है बट मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप आ, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे ठीक है दोस्तों तो इसका देखिए प्री होता है उसमें आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स आता है रीजनिंग आती है और इंग्लिश uh, आती है इसमें पैंतीस क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं रीजनिंग के पैंतीस होते हैं और तीस क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं ऐसे करके आपका हंड्रेड मार्क्स का पेपर होता है हंड्रेड में जब आपके सेवेंटी सेवेंटी फाइव एटी समथिंग नंबर आते हैं जब आपको मेंस देने का मौका मिलता है दोस्तों ठीक है तो आप समझ जाइए आपको एट्टी परसेंट नंबर लाने हैं कम से कम प्री में और जब आप पास हो जाएंगे तो मेंस में आप बैठिए और मेंस क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों फ़ाइनल इसमें जॉब लगती है ठीक है ना छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन रहता है वो सभी एग्ज़ाम्स में रहता है और इंटरव्यू के लिए आई थिंक बुला सकते हैं या इंटरव्यू के लिए ये लोग बोल सकते हैं जैसा भी उनका प्रोसेस होगा वो आपको पता चलता रहेगा सारी चीज़ें तो आप अगर सपना देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने का तो आपका सपना पूरा होने वाला है ठीक है इसमें एज दे रखी है 21 ईयर वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साथ ही साथ ट्वेंटी वन ईयर होना चाहिए और थर्टी ईयर मैक्सिमम और रिलैक्सेशन मिलता है लगभग फाइव ईयर का ओबीसी वालों को और जनरल वालों को नहीं मिलता है एस वालों को ज़्यादा मिलता है तो अपने एज के अकॉर्डिंग वो अपना फॉर्म भर सकते हैं आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपका एजुकेशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए बैचलर डिग्री मतलब बी बी कॉम बी ए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए दोस्तों ठीक है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस वैकेंसी में आप अपना एग्ज़ाम अपना फॉर्म भरें एग्ज़ाम को क्लैक्ट करें और जॉब पाएँ ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं इसी प्रकार की प्रमाणित और अच्छी न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल पर एजुकेशन चैनल है तो इस पर हमारे करेंट के क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन मैथ की वीडियोज़ करेंट के वीडियोज़ और जोग्राफी चल रहा है तो मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है तो दोस्तों अगर आप न्यू व्यूअर हैं आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों ठीक है ना ऑल द बेस्ट